नमस्कार। पिछली वीडियो में आपको सैटरडे को टेस्ट दिया था, जो पहले आपको टॉपिक करवाया था वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। वायुमंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इसके बारे में आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था, नोट्स भी दे दिए थे। सैटरडे को जो आपको इस टॉपिक का टेस्ट दिया था, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए थे, बहुत से बच्चों ने वो पेपर किया है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने एम ए फाइनल वालों को दिया था, उन्होंने सभी ने ये टेस्ट किया है। तो उनमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को नहीं आ रहे थे, तो उनका सॉल्यूशन बता रही हूँ। सारा जो पेपर दिया गया था, सभी का ही सॉल्यूशन बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। तो सबसे पहले जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था, मौसमी घटनाओं से संबंधित मंडल है, यानी कि वह कौन सा मंडल है जिसमें मौसम से संबंधित घटनाएँ घटित होती हैं। तो आप सभी को बताया था और ऑलमोस्ट बच्चों का सही आंसर भी है। तो मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, जो अपना पहला मंडल है, यानी कि जो सबसे पास में है पृथ्वी के, कौन सा मंडल था, क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है, उसमें सारी मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, किस मंडल में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएँ घटित होती हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताया था कि चुंबकीय घटनाएं हो गई या विद्युतीय घटनाएं हो गई, तो ये किस मंडल में घटित होती हैं। तो ये था अपना आयन मंडल, जो क्या है, सबसे ऊपर पाया जाता है, और इसके ऊपर एक और परत होती है या फिर एक और मंडल होता है बहिर्मंडल। उसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं आयन मंडल, जिसमें क्या है कि सारी चुंबकीय घटनाएं हो गई, विस्मयकारी विद्युतीय घटनाएं हो गई, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद जो अपना तीसरा क्वेश्चन था, वह था रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से वायुमंडल को कितने मंडलों में विभक्त किया जाता है। वैसे आपको अगर बताएं तो वैसे तो आपको पता है कि अपने जो वायुमंडल की परतें हैं या वायुमंडल है वो कितने मंडलों में विभाजित है। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्यमंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। लेकिन एक होती है रासायनिक दृष्टि। तो रासायनिक दृष्टि से अगर देखें या फिर रासायनिक संगठन के आधार पर देखें कि वायुमंडल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था, तो वो थे इसके दो मंडल। कौन कौन से दो थे, एक था सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आणविक ऑक्सीजन परत की ऊंचाई है। तो जो अभी आपको रासायनिक संगठन बताया है, इसके आधार पर जो वायुमंडल का वर्गीकरण किया गया है या वायुमंडल के जो इसका मंडल बताए गए हैं, तो इसमें जो अपना विषम मंडल है, विषम मंडल में क्या है कि परतें पाई जाती हैं गैसों की। तो इसको क्या है, अलग अलग उसके रासायनिक दृष्टिकोण के आधार पर बांटा गया है। जैसे विषम मंडल है, तो विषम मंडल जो है, तो इसके अंदर जो पहले है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन और फिर है हीलियम, जैसे ये परतें पाई जाती हैं चार। तो इसमें जो ऑक्सीजन परत है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है कि आणविक ऑक्सीजन परत की ऊंचाई कितनी है। तो वो कितनी है अपनी, 200 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आणविक ऑक्सीजन परत मिलती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मंडल में दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। तो जो दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है, ये बहुत बार अक्सर एग्जाम में पुट होता है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। तो ये किस मंडल में घटित होते हैं, ये है आयन मंडल। तो इसका आंसर आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है। पराबैंगनी किरणों के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं और सभी को पता है कि जो सूर्य है उससे जो किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणें, तो वो जो किरणें हैं अगर अपने धरातल पर सीधे पहुँचे तो पता है चर्म संबंधी रोग हो जाते हैं, कैंसर वगैरह रोग हो जाते हैं। तो ये अवशोषित होकर किरणें आती हैं, तो इनका अवशोषण कहाँ पे होता है, समताप मंडल के ऊपर परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अजोन मंडल कहते हैं। अजोन मंडल में पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, अजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ताप में किस मंडल में पाए जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि मौसमी घटनाएं जो होती वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, लेकिन एक होते हैं मुक्ताप में। तो ये क्या होता है कि कुछ ऐसे कण होते हैं जो क्षोभ मंडल से ऊपर भी चले जाते हैं। तो क्षोभ मंडल से ऊपर जाने के कारण आपको पता है क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत बताई गई है, समताप मंडल बताई गई है। तो ये मुक्ताप मेघ जो है ये समताप मंडल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर समताप मंडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल में कौन सी तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल जो है इसमें क्या है कि, ये आपको वीडियो में भी बताया था और नोट्स में भी बताया है कि आयन मंडल में क्या है, कई तरंगें ऐसी हैं जो परावर्तित होकर वापस आती हैं।
तो वो कौन सी तरंगे हैं जो आयन मंडल से परावर्तित होकर आती हैं? वो है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभ मंडल में प्रति हजार मीटर पर सामान्य ताप पतन दर होती है। अब ये क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर इसमें मिस्टेक भी हो जाती है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, प्रति हजार मीटर पर पूछा गया है, ठीक है ना। अब मोस्टली इसमें सही आंसर भी है और बहुत सारे इसमें गलत आंसर भी बच्चों ने दिया है। तो जो प्रति हजार मीटर पर सामान्य पतन दर होती है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ध्यान रखना कि प्रति हजार पर पूछे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिकतम रूप में कितने प्रतिशत रहती है? जल वाष्प सभी को पता है, जल वाष्प क्या है, अपने वायुमंडल में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जल वाष्प ऐसा है कि जो क्या है कि किरणें आ तो जाती हैं लेकिन ये क्या है किरणों को वापस जाने नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल वाष्प हो गया, ये ऐसे तत्व हैं जो क्या है कि गैस को किरणों को वापस जाने नहीं देते हैं, जिससे क्या है अपना धरातल गर्म होता है। तो अब जो वायु है इसमें जल वाष्प की अधिकतम मात्रा अगर देखें तो वो है 5%, यानी कि 5% इसमें जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो ये था अपना जो सैटरडे को क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था वायुमंडल उसके सॉल्यूशन। अगर फिर भी कुछ आपको लगे कि सही नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो या कुछ भी आपको ऐसे डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में बताना भी क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थैंक यू।